नमस्कार आदाब, मैं उज़्मा शाहीन, एटीएन लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता इश्तियाक अहमद। जिस तरह से बिहार में फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, आज हम उसी मुद्दे पे इनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल कि जिस तरह से पहले का जो लॉकडाउन था और अभी का जो लॉकडाउन है, उन दोनों लॉकडाउन में क्या अंतर है? देखिए, पहला लॉकडाउन जो लगाया गया वो बिल्कुल ही गलत लगाया। कारण है कि उस समय कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए जा रहे थे और आप पूरे भारत को बंद कर दिए और एक काफ़ी दिनों तक बंद रखा आपने। उससे बेरोज़गारी बढ़ गई, लोग त्राही माम हो गए। आज कोरोना हर जगह पाया जा रहा है और इसके लड़ने के लिए सरकार ने कोई तैयारी नहीं की इतने समय में। तो अभी लॉकडाउन लगाना ज़्यादा उचित था और तैयारी के साथ उचित था। तो जिस तरह से मतलब गरीब तबके के जो लोग हैं और मिडिल क्लास के जो फैमिली के जो लोग हैं, उनको इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है, तो आप कहाँ तक मानते हैं कि ये जायज़ है? देखिए, ऐसा है कि लाखों की तादाद में बिहार में कामगार आए और सरकार मूर्ख दर्शन बनकर देखती रही, सिर्फ झूठा घोषणा कि हमने चावल दिया, राशन दिया, पैसा पहुंचाया। जब जनता के बीच में हम जाते हैं तो जनता बोलती है हमारे को मिला ही नहीं, ये घोटाला या कहां गया इतना राशन, चावल, गेहूं, कोई आंकड़ा नहीं है। दूसरी चीज़ कि सरकार से मैं डिमांड करता हूं कि ये जब राशन पहुंच नहीं पा रहा है सभी लोगों के बीच में, तो मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि सरकार को चाहिए कि हर जनता के बैंक अकाउंट में 25-25 हज़ार रुपया ट्रांसफ़र करें और फिर उसके बाद लॉकडाउन लगाए। ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, वो अभिभावकों से जो है ना, वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो इस पे मतलब ये कहां तक जायज़ है आपकी नज़र से? देखिए, ऐसा है, ये बहुत ही नाजायज़ हो रहा है। जनता के पास पैसा नहीं है। जनता जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबका, वो एक तरफ अपने बाल बच्चे को देखता है, दूसरी तरफ अपने पॉकेट को देखता है, दोनों, और ये परेशानी में है कि वो करे तो क्या करे। और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो फीस का तगादा बार बार करता है, लेकिन सरकार के तरफ से कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती है और ये बहुत ही गलत हो रहा है। जब पढ़ाई नहीं हो रहा है तो फीस क्यों मांग रहे हैं आप? फीस भी लेते हैं तो बस का फीस चाहिए और सारी चीज़ सुविधा चाहिए, जब जनता के पास है नहीं। ये केंद्र सरकार को चाहिए था कि स्कूलों को अपने तरफ से पैसा दे। 20 लाख करोड़ रुपये का जो पैकेज दिया है भारत सरकार ने, उस पैसे से आम जनता को और प्राइवेट स्कूलों को भी इसमें शामिल करना चाहिए जिनका भरपाई हो सके। आम गरीब जनता कहाँ से देगा? पैसा है ही नहीं। और प्राइवेट स्कूल को भी चलाना है, उनके भी टीचर हैं, तो उस 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेज जो है, जितना भी भारत में प्राइवेट स्कूल है उनका भी शेयर होना चाहिए और उनको 20 लाख करोड़ रुपया पैकेज से जाना चाहिए। अब तो राष्ट्रीय कार्यालय में भी लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये अभी जो चुनाव आने वाला, तो वो चुनाव होना चाहिए, सही है या गलत? देखिए, चुनाव आयोग ने तो कह दिया है कि चुनाव समय पर करेंगे, लेकिन आप आज देखिए बिहार में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में 75 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और चुनाव आयोग को ये सोचना चाहिए। ये ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता चुनाव, जब जनता त्राहिमाम है इस कोरोना की महामारी बीमारी से, तो 6 महीना कम से कम चुनाव का डेट आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बहुत से कारण हैं कि बहुत सी राजनीतिक पार्टी है जो जनता के बीच में अपनी चीज़ कह नहीं पा रही है। जनता सोच रही है कि कौन सी पार्टी को दिया जाए, नहीं दिया जाए। अब भाजपा बहुत बड़ी पैसे वाली पार्टी है आज के डेट में, वो तो मान लीजिए डिजिटल और वर्चुअल दिस दैट सब चीज़ कर सकती है, लेकिन गरीब बहुत सी पार्टियां हैं जिनका अपना वोट है, जनाधार है, वो कैसे जाएगी जनता के बीच में? तो इसलिए चुनाव आयोग को निर्णय लेना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए डेट बढ़ाना चाहिए और जनता की आवाज़ को सुननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका यहाँ आने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 18 लाइव इंडिया।